ก็ได้ปัดออกมาก็ไปกินเนาะถึงจุดนวราเห็นเนาะอะไรพงเนี่ยพงเห็นนี่เลยก็ว่าอะไรก็สิ่งที่เราพงเทวีกันจะต้องเนี่ยเวียนเนาะอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้ที่เชื่อเราได้ฮะนวราเห็นเนาะแต่เราตรงเนี่ยอะไรพงตัวพงตั้งเนี่ยอะไรพวกจังพวกปุ๋ยพวกยาเด็ดต้มเสียงเนี่ยพงตั้งเนี่ยตั้งเนี่ย हेलो बावे सम्मान से बिलोंग करता है और मैं हूँ दूसरा जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज का दिन में 11 अप्रैल को हम लोग हर एक साल जो पोंगचू मनाता है इसका विषय जैसे हम लोग का पुजारी गांव का पुजारी बता रहा है हम लोग ओरिजिनली तूत में था तूत मतलब यहाँ से अलग फिर ये गांव है उधर से हम लोग सेटलमेंट आया था आने का बाद बुरा बुरी लोग ने यहाँ में ये कॉमन में चावल लेता है तो चावल से वो जैसे कि बांध मारते हैं या पूजा करते हैं उस हिसाब से आया है ले करके तो आज का दिन में यहाँ आके ये अगुन जो है उसको भी ऐसे ये रबिंग करके रूसी से आग निकलता है हम लोग आज का दिन में तो आज का दिन में इसलिए माना है कि हम लोग दूध से आया हुआ 100 बाल बच्चे सही सलामत रहे और ये इंग्लिश में बोले तो समर सीजन है अंधी तूफान से बचने के लिए हम लोग ये पुजारी पूजा करता है ये फेस्टिवल मनाता है और नया हम लोग अभी ये फेस्टिवल का बाद में नया ये नया धान लगाएंगे वो धान अच्छा से होने के लिए हवा से बर्बाद नहीं होने के लिए और गांव में सर्दी बुखार नहीं आने के लिए हम लोग जब तुत का गांव से आया था तब से हम लोग ये चलाते आ रहा है अरे रात है जो वह बिलम आरुम रंग ही रा अरे सिंह साथे तंग है तो पृथ्वी तो वर पृथ्वी तक का सिंह तुत नमन आते हैं बिमिने इधर लोग हैं जो अरे काम नाम ही रा अरे अंति कहानी अंति जेजी रा तुम चार बिहार चिंगु तंग का चिंहा चिंगु तंग का अरे बहुत सारे लोग वे सिंह है तब तुम ठंड ये तो इसमें ये जैसे कि हम लोग का प्रीस्ट बता रहा है ये चीज हम लोग जन्म जन्म तक चलाने वाला है भूलने का चीज भी नहीं है मान लीजिए कि दुनिया से ये लोग चला जाएगा फिर भी उनका टाइटल कुंखो टाइटल ही फिर ये करेगा ये चीज हम लोग अगला जन्म तक अगला पीढ़ी तक चलाते ले चलेंगे इसी दिन में इसी महीना को और हम लोग वो दो महीना हम लोग गांव में चलाते हैं इसका बाद ये जो चावल है हम लोग फेंकते समय पुजारी अपना मुख से कुछ कुछ फूकता है वो हिंदू का नियम है फूकता है ये बेटा बेटी गांव परिवार खेत के लिए अच्छा होने के लिए इसका बाद हम लोग थोड़ा कैमरा इधर घुराएंगे तो वो जो पत्ता जो है पत्ता और वो जो कैमरा को ये पत्ता जो है हम उसके तरह बताएंगे ये पत्ता जो है इसका भी अलग अलग तरीका है ये आज का दिन में अलग है दूसरा नियम में हम लोग अलग अलग है तो ये पत्ता अलग अलग होने का बहुत मायना रखता है इसमें जो चावल जो हम जो बोला था कोमल में जो बुक करके लेके आया था हम लोग का पुराना नियम से वो चीज़ यहाँ में फेंक के पुजारी हम लोग का शांति के लिए पूजा करता है सारा गाँव के लिए शांति सारा आदमी के लिए शांति के लिए पूजा करता है वो चीज़ और ये जो हम लोग कोई आम आदमी नहीं छू सकता है कोई छोटा बच्चा छू नहीं सकता है वो आम अभी भी ये देखिए ये चावल का टुकड़ा अभी भी है हम लोग का कैमरा यहाँ आएंगे तो ये करके
आज का दिन में ये होते रहेगा, ये टेम्पोरी नहीं है, हमेशा के लिए चलते रहेगा। ये हम लोग का सबसे जरूरी फेस्टिवल वाला है। They are collecting, voluntary donations are accepted. Whoever would like to donate, you are most welcome to put any cash in any cash. जनजाति का एक फेस्टिवल है, ये हर गांव में मनाता है और ये मनाने का जो है लास्ट मार्च ने तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से शुरू करके जून जुलाई तक इस फेस्टिवल को मनाया जाता है अपना सुविधा की ऊपर अपना गांव में। पंक्तु जो है हम मदर नेचर को हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं पशु पक्षी के लिए भी हम ब्लेसिंग देता है, क्योंकि हमारा बिलीफ में है ये अप्रैल का महीना जो है नया साल शुरुआत हो रहा है। अभी अभी हम लोग चांद में जाकर के रमरम में देख करके हम लोग देखा था कि उसमें आग भी नया से खींच के नियम से उसमें आग निकलता है, उसके बाद हम लोग वहां से पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो मैं आप सबको छोटा सा एक उल्लेख किया पंक्तु का बारे में। Thank you.
तो प्लीज हो जिधर आपके फंडेशन को मरो मत करो लो ऐसा नहीं जिधर लगते हैं आज गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मामा नाथन जी कमिंग बैलेंस कमिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी एंड आंध्र प्रदेश श्री अरविंद पाटिल जी सॉरी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर नेक्स्ट The Honourable MLA of Kaliha, Honourable MLA of Kaliha, from Chairman of ETB and OPWWP, together. Thank you.
Pongtu Gu means, Pongtu is an important and oldest agricultural festival celebrated by the Pusta on the eve of rainy season. The literary meaning of Pongtu is Pong means wind and Tu means retreating. Gu means festival. This festival is observed in the month of spring season, Latom, that is in the month of April, May, and June every year. The festival celebrated before the harvesting of millet, rice, and to welcome the new year and drive out the old. The Pongtu are observed to offer prayer to the Supreme God Rangkothak, scared from destroyed by supreme natural calamities and epidemic diseases. Ami ek cultural festival koru. भगवान के धन्यवाद दूँ जो बस पुणा बस आम भगवान आम आशीर्वाद दिखे आम ईश्वर के आम भगवान के धन्यवाद दूँ तारगते आम कल्चरल फेस्टिवल मानि पीने आका दिन कारण नतुन बस आम भगवान पर आम आशीर्वाद आशीर्वाद मांगो सीटे आम तलमूल के आम फेस्टिवल आ पोंगतु फेस्टिवल को और कैसे आगे ले जाए और इसको और कैसे रंगीन बनाए और इसको कैसे दुनिया जाने, क्योंकि आपका पोंगतु फेस्टिवल या तुत्सा को जानने जानने के लिए देखने के लिए हम यूरोप नहीं जाएगा। यूरोप को तुत्सा या पोंगतु फेस्टिवल को जानने के लिए आपको चांगलांग में ही आना पड़ेगा, इससे बाहर नहीं है। तो इसलिए आपको ये मैं आह्वान करते हुए कि आने वाला कल को भी आप इससे ज़्यादा और पोंगतु फेस्टिवल को सुंदर से मनाए। हम तुत्सा के बिलोंग करते हैं, हमारे जो पहनावे हैं उससे, हमारा जो कान पान है उससे, हमारा जो जिस तरह से हम नाचते गाते हैं उससे पता लगता है कि हम तुत्सा एक ट्राइब है जो अरुणाचल में है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, ये पता चलता है। ये पहचान के लिए है, ये आइडेंटिटी है, इससे इससे ट्राइब का पहचान होता है, ट्राइब का पहचान से इंडिविजुअल का पहचान होता है, इसलिए इसको बनाए रखना है। हमारा अरुणाचल ही ऐसे प्रांत है, ऐसे जहाँ है जहाँ हमारा पेट, हमारा कल्चर अभी जिंदा है और इस जिंदा को
आगे ले जाने के लिए, बचाने के लिए आप सबको योगदान देना पड़ेगा, आप सबको आगे आना पड़ेगा। मैं दुनिया में देखा जाए तो इंडिजिनस के बिलीवर बहुत लोग हैं, हमारे 370 मिलियन इंडिजिनस लोग हैं और मोर देन 3000 इंडिजिनस लोग भी हैं जो अपने मातृभाषा अपना कुछ सीख सिखा करते हैं। इसको देखते हुए हम आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने रह रखाव को सही सलामत रहिए, उसके खोने मत दीजिए। आपका ये धरोहर है, इसको आप प्रिजर्व कीजिएगा। इस फेस्टिवल में मैं दुआ करूंगा कि भगवान से मैं दुआ मांगूंगा कि हमारा यहाँ का चंगलंग का और कास की जो तुक्सा समुदाय है उन सभी को और हमारा यहाँ का चंगलंग डिस्ट्रिक्ट का वासियों को इसमें ऐसा आपदा ना हो, ऐसा नेचुरल क्लाइमेटिक कहीं ऐसा ना हो, हमारे लोगों का फसल अच्छा हो, एपिडेमिक ना हो, बीमार हजार ना हो। मैं इस दुआ के साथ मैं इस फेस्टिवल में इस त्यौहार में मैं ईश्वर से और भगवान से मैं दुआ मांगता हूँ। और साथ में आज ये नाचने और गाने का त्यौहार में आज फेस्टिवल है और फेस्टिव मूड में रहना है हम सबको। आज का दिन हमको नाचना है, गाना है, खुशी मनाना है, आपस में प्रेम और भाईचारा को हम कम्युनल हारमोनी को मेंटेन करके मान के हर समुदाय को रेस्पेक्ट करके नमन करके हम लोग को आज का पूजा खुशी का दिन है। इस खुशी में हम सब मिलके एकजुट एक साथ होके अपना तुक्सा जो समुदाय का फेस्टिवल को हम लोग सब मिलके हम लोग एक खुशी बहुत बढ़िया से हम लोग खुशी मनाएंगे। शुभ अवसर पर आप सभी को पुंगटू का बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। ये 11 अप्रैल जो है हमारे तुत्सा समाज का एक पुंगटू फेस्टिवल है जो कि ओरो ट्राइब का जैसा अपना नेचुरल कैलेमिटीज को और नेचर्स गॉड्स को और अपना उत्पादन अच्छा होने के लिए, मनुष्य का जीवन में अच्छा होने के लिए, सिर्फ मनुष्य बोल के नहीं जितना भी पशु पक्षी है वो सब का विषय में ले करके मेन पूजा जो होता है, खास करके हम मदर नेचर को हम प्रे करते हैं। पोंगटू फेस्टिवल जो है हमारे तुत्सा ट्राइब के जनजाति के हैं, तो मैं इस शुभ अवसर पर अपने ओर से और अपने जितने भी चांगलांग के जनता की ओर से हमारे तुत्सा भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। और ये फेस्टिवल जो है खास करके विंड रिट्रीटिंग फेस्टिवल है और खास करके हार्वेस्ट रिलेटेड भी है और
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये साल जितने भी हमारे कम्युनिटीज़ के लोगों को बम्पर हार्वेस्ट हो, गुड हेल्थ हो और अच्छा से रहन सहन के लिए, पीस एंड हारमोनी के लिए ही प्रार्थना करते हैं। लोग जो है अपना रीति रिवाज को, अपना संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उस चीज़ को हम लोग काम ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम उस चीज़ को बचाए रखें, क्योंकि गांव-गांव होने से आजकल का बच्चों के है जाने के लिए दिल नहीं करते हैं, सब लोग टाउन में बसा हुआ है। तो हम उसको उनका दिशा दशा को अपना एक संस्कृति की ओर को बचाने के लिए हम उसको थोड़ा हम लोग काम कर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट को हम लोग जगा रहे हैं कि हमारा भी ऐसा है, फेस्टिवल है, आप सब इसमें जुड़ना है। और ये पोंगटू फेस्टिवल जो है टुत्सा जनजाति का है, अगर टुत्सा जनजाति इसको अगर प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रमोट नहीं करेगा तो दूसरा आदमी कौन आके करेगा? दूसरा आदमी तो नहीं कर पाएगा। और मैं हमेशा कहीं अगर ऐसा जाता हूँ तो जहीं जहाँ जहाँ पर मैं जाता हूँ वही बोलता हूँ कि आप देखिए, आपका पास धन दौलत होगा, आप हीरा मोती गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, लेकिन ये कल्चर एक बार लॉस हो जाएगा तो फिर आप बजट से तो मिलने वाला नहीं है। तो उसको हम वैसे भी हमारा ट्राइबल कल्चर में लिखित रूप में नहीं है, हमारा सिर्फ प्रैक्टिस में चलता है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा प्रिजर्व, प्रोटेक्ट भी होगा और प्रमोट होगा। तो ये हम फेथ में रखते हैं या प्रैक्टिस में रखते हैं, तो ये प्रैक्टिस हम ईयरली हमको करना पड़ेगा। इसलिए मैं खास करके जुआ मेरा दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज इस अवसर पर हम लोग सब लोग जुड़ना है। मैंने आज फिल्म में भी बोला, ये हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका ड्यूटी बनता है, हम अपना रीति रिवाज को आगे ले जाए।